मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो लेने। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो लेने। गुरु आ ऐसी कारण तू निज नारे तो कर ले। गुरु आ ऐसी कारण तू निज नारे तो कर ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ये जीवन जलती ज्वाला है, ताप लगते ही रहते हैं। ताप लगने नहीं पाए, गुरु अमृत वचन पी ले। ताप लग में नहीं पाए, गुरु अमृत वचन पी ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। गुरु आ ऐसी कारण तू निज धारी तो कर ले। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। जगत के इस बवंडर में संभलना है बहुत मुश्किल। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले। संभलने की कला गुरुवर सिखाए, सीख तो ले। अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले। गुरु आ ऐसी कारण तू निज धारी तो कर ले। गुरु बिन मिट ना पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का। गुरु बिन मिट ना पाएगा अंधेरा तेरे जीवन का। अंधेरा घर मिटाना तो उनसे दीप जलवा ले। अंधेरा घर मिटाना
जलवाने, अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु आ कारण तू निज तो कर ले, दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा ज्ञान, अंधेरा घर मिटाना तो उनसे दीप जलवाने, अंधेरा घर मिटाना तो उनसे दीप जलवाने, अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु कारण तू निज धार तो कर ले, दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा अज्ञान, दीप ही है गुरु का ज्ञान, अंधेरा है तेरा अज्ञान, समर्पित ओ गुरु चरणों में जीवन लाभ तो ले ले, समर्पित ओ गुरु चरणों में जीवन लाभ तो ले ले, अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु आ इसी कारण तू निज धार तो कर ले, बाहरा एगी जीवन में चमन बन जाएगा जीवन, बाहरा एगी जीवन में चमन बन जाएगा जीवन, चुमन माली गुरु है भूमि जीवन की, उन्हें दे दे चुमन माली गुरु है भूमि जीवन की, उन्हें दे दे, अरे मन बात सुन मेरी, गुरु से सीख तो ले ले, गुरु आ सिखाए तू निज धार
जर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते गुरु बन जर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते न कर चिंता न कर संशय तू होने चिंत अब जीले न कर चिंता न कर संशय तू होने चिंत अब जीले अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले गुरु आ इसी कारण तुम निज धार तो अरे मन बात सुन मेरी गुरु से सीख तो ले गुरु मन ही से भक्त कहता है अपने ही मन से कहता है दूसरे के मन से नहीं कहता है अपने ही मन से बात करता है कि गुरु से सीख ले लो हमारे जीवन में जो माया का अंधकार छाया है वो गुरु ही उसमें प्रकाश कर सकता है जब हम समर्पित होते हैं तब समर्पित हो गए हम इसके बाद भी कोई ये थोड़ा ना कि काम खत्म हो जाता है बोले जीवन में चलता रहता है जीवन पर्यंत चलता रहता है जीवन भर चलता है जीवन के बाद भी चलता रहता है हम दूसरे के अनुभव से नहीं जानते स्वयं के अनुभव से जानते हैं और कहते नहीं माया जो है कब हमारे और आपके अंदर एक विचार से प्रवेश कर जाए पता नहीं होता इतने सालों के अभ्यास के बाद भी लेकिन उसमें भी गुरु जी की कृपा नजर आती है भलाई नजर आती है सच बता रहे कल ऐसे एक विचार आ गया उस विचार ने ऐसा जोर पकड़ लिया ऐसी जैसे पुख्ता सबूत भी सामने बहुत सारी चीजों के कि इस तरह से ऐसा हो जाएगा मतलब औरों के अनुभव से मालूम जीवन में तकलीफ आ जाएगी अगर इस तरह से करेगा तो और उसके बाद उस विचार ने इतना जैसे परेशान कर दिया दिमाग को इतना ज्यादा परेशान किया कि उसके बाद रात भर नींद नहीं आई रात भर नींद नहीं आई सुबह जब उठे तो एकदम जैसे गुरु जी को दर्शन करने प्रणाम करने के बाद जिसे एकदम से गुरु जी ने विवेक जागृत किया विवेक क्या जागृत किया कि अरे ये तो शायद भगवान ने वो दृश्य दिखाया जैसे नारद जी को कभी उन्होंने किया था कि माया का क्या असर होता है माया का क्या प्रभाव होता है तो वो जानने के लिए भगवान से शायद कुछ कहा था उन्होंने तो भगवान ने उन्हें डुबकी लगवा दी थी पानी में और पानी में डुबकी लगाते ही उन्होंने माया ने घेर लिया और घेरने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ उसी में पूरा जीवन जी लिया उसी माया के प्रभाव उसमें लड़की भी आ गई प्यार भी हो गया बच्चे भी हो गए बच्चे मर भी गए दुनिया भर का सब उन्होंने देख लिया जब उससे भगवान ने बुलाया तो एकदम से जागृति हो गई कि अरे ये तो सब स्वप्न था अपनी संकल्प की सृष्टि थी और कुछ नहीं था
सेम यही बात कल मेरे साथ हुई, बिल्कुल ऐसी। हमको लगा कि देखो गुरु जी ने ऐसा करने के बाद भी भलाई कितनी करी कि थोड़े से चिंता से एक रात की नन्ना नींद आने से उन्होंने हमारा शायद एक जन्म काट दिया। हमें विश्वास है, दूसरे को हो या ना हो हमें है विश्वास, क्योंकि है तो सब अपनी संकल्प, बस अप माया है, खेल है। खेल में जहां सत्य बुद्धि कर लो वहीं चिंता और फिकर और डर भय सब आ जाता है। सत्य बुद्धि आप अपनी बड़े ज्ञानी मान लो तो उसका अहंकार भी आ जाएगा। सत्य बुद्धि कर लो जहां इस खेल में, वहीं पे सब कुछ आ जाता है। तो बोले खेल को खेल समझकर आनंद लेने के कला सीखते सीखते भी कब गच्चा मन खिला दे पता नहीं होता, लेकिन उस गच्चे में भी प्रभु की कृपा नजर आती गुरु जी की, कि उन्होंने तो शायद एक जन्म काट दिया और विवेक दे दिया ये सब माया है। अच्छा संकल्प उसमें, और उसमें भी बोले सामने एक जागृत है, किसी विवेकी के रूप में भगवान चैतन्य बनकर उस पर वो करता रहा, कहते हैं ऑब्जेक्ट करता रहा, तो उससे समझ में आया कि हाँ ये देखो भगवान मेरे साथ लगा था, रात में भी भगवान मेरे साथ लगा था, ये वो ऑब्जेक्ट कर रहा था, वो ईश्वरी तो था। हमें समझ में आता है, किसी को समझ में आए ना है मुझे, लेकिन गुरु जी बहुत दिखाई दिए, सच बता रहे हैं। और बड़े ही ऐसा गुरु जी के एक एक वाक्य पे विश्वास होता है, किसी को हो ना हो मुझे होता है। समर्पित बस होने की बात है, जब समर्पित हैं उनमें लगे हुए हैं तो जो भी दृश्य आ रहा है वो जरूर हमारी ही माया से मन से उपजा हुआ ही गलत है, और जो उनके द्वारा है उसमें तो कहीं भी डर भय नहीं लगता है, उसमें तो काम होता है, उसमें डर भय चिंता ये सब कुछ नहीं होता है। जहां डर भय चिंता भविष्य की आशंका, उस सब में बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। सिर्फ एक छोटा सा विचार, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा विचार, छोटा सा विचार, उसने ही जो है ना नींद भी चैन ली, छीन ली, चैन भी छीन लिया। तो अब जिन जो लगे ही नहीं है इसमें, और जो लगे होने के बाद भी सत्य बुद्धि से खेल खेल रहे हैं, उनको तो हर वक्त ही कितनी तकलीफ होती होगी ईश्वर जाने, तो कितने डर भय चिंता इसी में रहते होंगे हर वक्त, हो ना जाए कुछ, हो ना जाए। तो इसी बात पे हुआ भी नहीं है, एक अपने अपनी ही एक कल्पना से अपना संसार बच लिया, और गुरुजी ने हम लोग को ज्ञान दिया है कि तुम हमारा अंश हो और अपने संकल्प की तरफ ध्यान दो, संकल्प की ही सृष्टि है। इतना अंदर में झांकने की ताव ही नहीं होती, बस दूसरे को ही बोलना उल्टा सीधा ये वो सब करना, बड़ा ज्ञानी बन के, बड़े रिश्तेदारी बनने वाके, दादी हैं, ये हैं, वो हैं, माँ हैं, ये फालतू की बात है, सब खेल में है, चोले में ये सब बने हुए हैं। सच में तो परमात्मा ही परमात्मा चारों तरफ है, यही तो गुरु जी ने कहा, क्योंकि तुम भी वही हो। अपने निज स्वरूप को पहचाने तो हम लोग पहचानते ही नहीं है, और यही काम गुरु जी कर रहे हैं। बोले हर एक का वाला कर रहे हैं, एक का नहीं, एक ये बिल्कुल झूठी बात है कि एक का वाला करके एक का नुकसान कर देना, सबका हर भक्त का वो भला करते हैं, हर प्राणी का भला करते हैं, बस नजर चाहिए। उनकी नजर जो है ना, ये नजर वो बना देते हैं, बड़ी कृपा है गुरु जी की, बहुत बहुत कृपा है। हमको तो ऐसा लग रहा है, हम क्या बताएं, हमें बड़ा अनुभव कल जैसे हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरु जी की कृपा लगी। प्रति एक विचार आ गया कि इससे ये गलती है, उसका नुकसान हो जाएगा, बस बच्चे के संकल्प को लेके विचार आए, बस उसी विचार से इतना डर गए, क्योंकि उसका कुछ किसी और के द्वारा देखा हुआ था,
अनुभव में था नहीं विचार के नहीं उसका ऐसा हो गया तो कहीं ऐसा ना तुम्हारा भी हो जाए, बहुत विचार में ऐसा हो बहुत कुछ बोल रहा दादा बड़े प्यार से बड़े उससे बोला है, और काम कभी लगा रूप में चैतन्य मेरे सामने था, गुरु मेरे सामने, हमारे अपने विचार में जो छुपी तो वो एक एक छोटा सा विचार जिसने परेशान कर दिया पूरा, जैसे डर भय चिंता आशंका भविष्य की सब में ग्रसित कर दिया, ऐसा एक नन्ना सा विचार बिल्कुल, क्योंकि उसका दृश्य कहीं देखा था उसके हिसाब से उसका दृश्य देखा था, और जो जिससे नुकसान उस व्यक्ति का हुआ था किसी और का, तो बस उसने ही जैसे पूरी माया घर कर गई, तो हैरान रह गए सुबह जब विवेक खोला गुरुजी के द्वारा तो हैरान रह गया, लेकिन उसमें भलाई दिखाई दी। गीता का ज्ञान है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा है होगा, जो अच्छा ही होगा ये नियम सच्चा है, तो ये विचार ही होगा। तो मैं ये विचार आया कि ये तो एक रात में गुरुजी ने शायद पता नहीं जन्म एक काट दिया या कितने प्रारब्ध काट दिए हमारे, जो हमको परेशान करते दुखी करते आहत करते, एक छोटे से विचार से छोटी सी रात में उन्होंने सब काट दिया, और कहीं कोई तकलीफ नहीं, सब काट दिया। सुबह उठे तो कोई आने का कोई वो हो ये भी नहीं थी, बड़ा तकलीफ हो रही कि आए नींद नहीं आई, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ये गुरु जी तो हैं और हैं, हम और आप क्या है, कुछ भी तो नहीं है, और गुरु फिर से उरर नहीं हो सकते कि ऐसी विवेक जागृत करना, ऐसी स्वरूप से अपने परिचय कराने हैं, वो हमारे खुद के स्वरूप से हम लोगों का परिचय कराना है, ये गुरु बिन तो संभव है नहीं, मतलब ही नहीं, उन्हीं का काम है। बहुत ही अच्छा अनुभव आपने बताया जो हुआ वो बता रहे हैं। आपके अनुभव आपके इन्फेरेंस से हम लोग को भी बड़ी राहत और बड़ा एक तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपने में भी दिख रहा, जो आपका एक्सपीरियंस है उससे हम लोग को भी बड़ा लाभ हो रहा है। ये लाभ के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे, गुरु जी ने नियुक्त किया है आपको भी हमको भी जीवन लाभ लेने के लिए, तो हम लोग हैं एक दूसरे से। संसार में सुख मिलता तो आज की दुनिया भौतिक दृष्टि से बड़ी संपन्न है, आज कृषि विज्ञान यातायात दूरदर्शन दूर श्रवण आदि में अद्भुत पूर्व प्रगति की है, आज मनुष्य चांद पर भी जा पहुंचा है, सूर्य चांद सितारों से आगे की जानकारी लेकर आ गया है, बुद्धि का चरम विकास कर लिया है जैसा लाखों वर्ष में कभी नहीं हुआ, वैसा इन 400 वर्षों में कर दिखाया, आज सामान्य मनुष्य को भी घर में जितनी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हैं उतनी 500 वर्षों से पहले बड़े से बड़े संपन्न व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं थी, फिर भी क्या कारण है कि मनुष्य दुखी है? वास्तविकता यह है कि मनुष्य की जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही वह अधिक दुखी हो गया है, आज जितनी चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही बीमारियां भी बढ़ गई हैं, जितने न्यायालय बढ़े हैं उतने ही जुर्म भी बढ़ गए हैं, जितनी भौतिक सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही मनुष्य का नैतिक पतन भी हुआ है, जितना ज्ञान बढ़ा है उतना ही अज्ञान भी बढ़ गया है, जितने साधु संत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बढ़े उतना ही अधर्म भी बढ़ गया है, जितना कृषि का व उद्योगों का विकास हुआ है उतना ही भुखमरी और बेकारी भी बढ़ गई है, जितना अच्छाई लाने का प्रयत्न किया गया उतनी ही बुराई अपने आप बढ़ती गई, एक विपरीत समानांतर व्यवस्था अपने आप बन गई, क्या कारण है इसका?
इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, केवल अध्यात्म ही उसका उत्तर देता है कि इस सृष्टि में, इस संसार में, इन भोगों में सुख ढूंढना मूर्खता है। यह मृग मरीचिका है, कभी मिल नहीं सकता क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख है ही नहीं, मिलेगा कहां से। वह सुख का सागर, वह आनंद का सागर तो हमारे ही भीतर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त की बिना, जिसे प्राप्त किए बिना सुख मिल नहीं सकता, आनंद नहीं मिल सकता। उसे पालो तो तुम धन्य हो जाओगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, टू सीक प्लेजर इन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स इन वेन द होम ऑफ ब्लिस इज विद इन यू, यानी सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र इसी सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है। यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो। देखो वही ज्ञान निकलता है किसी भी किताब को उठा लो, जैसा हो रहा है बोले बिल्कुल संसार कैसा है, जड़ है। हम सत्य हैं, हम अपने विचार से ही सृष्टि सब उत्पन्न कर लेते हैं, जैसी चाहे वैसी कर सकते हैं। जगमगाती दृष्टि है सारी आत्म, जगमगाती सृष्टि है सारी आत्म, दृष्टि है सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। इंद्र जाली जाल बिछाया, ईश जीवन देखन आया। इंद्र जानी जाल बिछाया, ईश जीवन देखन आया। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। आपसे आप ही भूला, माया के भरम में भूला, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट पर घट होई। मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट पर घट होई। ओ ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। ओ ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सर्व मम रूप
बोले सांसारिक विषयों में आनंद ढूंढना व्यर्थ है, इस आनंद का निवास तुम्हारे भीतर है। जैसे आनंद का निवास हम लोगों के अंदर है, वैसे ही डर भय चिंता ये सब भी सब अपने ही अंदर है, मन के अंदर है, मन में पड़ोसी के साथ मिले रहते हैं मन में, इंद्रियों के द्वारा ही तो माया अंदर जाती है और उसके विचार को ही सत्य मानकर हम भयभीत होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। भगवान का नाम जरा सा याद करो, गुरु का विचार, मुझे सारी माया जैसे जने कहा ओझल हो जाती है, विलीन हो जाती, खत्म हो जाती है। कैसे, जैसे बरसों से कहीं अंधकार हो किसी एक रूम में, बरसों से हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक जल जाए तो बरसों का अंधकार एक क्षण में चला जाता है। वैसे ही चाहे कितने हम लोग माया से ग्रसित हो, ज्ञान का जरा सा एक दीपक गुरु के द्वारा जो जलता है वो सारे अंधकार को खत्म कर देता है, जन्मों के अंधकार को खत्म कर देता है। ऐसा है ये गुरु दरबार, हमारे गुरु जी ऐसे, उन्होंने क्या दिया है हम लोगों को, सोच के देखे हम लोग ऐसी अमोलक मीरा गाती ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सत्य गुरु, कृपा कर अपनाए, उन्होंने कृपा करी हम लोगों पे बहुत, जो अपना अपना के हम लोगों को इस भव जाल से मुक्त कर रहे हैं, इस माया से मुक्त कर रहे हैं, इस माया का दर्शन करा, इतनी कृपा है गुरु जी की। इनके ऋण से कभी उऋण हो सकते हैं कुछ भी करके? सही बात है, कुछ भी नहीं। बोले मम्मी याद आ जा रहा है कि देखो मम्मी कहती थी ना सब माया है, सब माया है, तो ऐसे बोलती थी तो हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज समझ में आ रहा है क्या वास्तव में सब माया है। कैसी भी उल्टी सीधी स्थिति आती थी वो कहते नहीं गुरु जी पे विश्वास, पूरा गुरु पे विश्वास। तो कहीं कहीं पे ऑब्जेक्शन होता था उनकी बात पे, लेकिन अभी ये सब समझ में आता है कि देखो कैसे वो गुरु जी की बात पे, उनके विचार पे दृढ़ता अपने मन को देती थी, अपने आप को देती थी, दूसरों को नहीं देती। और दूसरे तो लाभ ले ले वो एक अलग बात है, उनके साथ से वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो वो अपने लिए काम करता। तो ऐसे ही अपने लिए काम करते हैं जो भी भक्त होते हैं, वो अपने लिए काम करना है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा कृपा है उसकी अपने ऊपर, हमारी अपने ऊपर कृपा है कि हम उसकी बात को सुन के थोड़ा सा मान के जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा विषय ही है अध्यात्म, देह अध्यास को खत्म करना, देह अध्यास में क्या क्या हो रहा है उस सबको समझना, दृष्टि उस पर रखना और परमात्मा पे रखना कि परमात्मा ही है, कुछ है ही नहीं, ये सब खेल है, सब खेल है, खेल में फिर मजा लो, आनंद लो। पिक्चर में कैसा आनंद लेते हैं, कहते हैं फलाने की एक्टिंग कितनी खराब थी, गलत विलन का रोल किया लेकिन एक्टिंग कितनी अच्छी थी, वो हीरोइन का रोल कर रही थी लेकिन हीरोइन के रोल में मजा नहीं आया, तो उससे अच्छा तो वो विलन वाली एक्टिंग कर रही थी जो वैम्प बनी थी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो भगवान भी तो हम लोग की एक्टिंग ही देख रहा है कि कितनी जो रोल हमारे पास है वो हम कितनी शिद्दत से निभा रहे हैं, जैसे दूसरे के रोल से हम प्रभावित होके अपना रोल बदल देते हैं, यही तो माया है, इसी माया से तो निकलना है। बड़े अच्छे गुरु जी हैं। बोले भौतिक है प्रकृति मात्र है, संसार रज्जू के रस्सी के समान है, निर्जीव है, प्रकृति मात्र है, भौतिक है, यह तुमको न सुख देता है न दुख, निरपेक्ष है, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका कैसा उपयोग करते हो, यह सर्पवत नहीं है, मतलब सांप नहीं है जो डसने वाला है, हमारा विचार ही हमें डस पाए,
पर अपने विचार को ही तो ठीक करना है, दूसरे को ठीक करने में लगे हम लोग रात दिन, क्या मूर्खता की कोशिश है। विवेक से इसका उपयोग करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि विवेक से इसका उपयोग करना है। किंतु तुम इसमें सर्प की कल्पना करते हुए ही भागे जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, सर्पवत देखकर तुम्हारे हृदय की धड़कन भी बढ़ रही है। यह सब तुम्हारी भ्रांति के कारण ही है कि तुमने ही रस्सी को सांप समझ लिया है। यही तो हुआ, तुम्हारी यह भ्रांति अज्ञान के कारण पैदा हुई है और अज्ञान अंधकार के कारण तुम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाए, इसलिए ये भ्रांति हुई। ऐसा सच्चा दरबार है, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग दे जवा, छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मौसे नैना मिलाए के, प्रेमवती का मधुआ पिला के, प्रेमवती का मधुआ पिला के, मोहे सुहागन कर दी मोसे नैना मिलाए के, मोहे सुहागन कर दी मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, बलि बलि जाऊं मैं तोर रंग रे जवा, बलि बलि जाऊं मैं तोर रंग रे जवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। जय प्रभु।